सो गाइस, एक बार फिर आपको स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं पहाड़ी ब्लॉगर 7037। तो एक बार फिर आपको स्वागत है पहाड़ों की वादियों से। सो कि मैं भी अपने घर पे हूँ। अभी बारिश हुई थोड़ी देर पहले, जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे। अभी पूरा जैसे एकदम डार्क हरा दिख रहा होगा, क्योंकि बारिश की वजह से, बारिश की जो बूंदें पड़ रही है अभी पेड़ों पर हर जगह, तो गीला हो चुका है। सो जैसे कि अभी का मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि अभी बारिश हुई थोड़ी देर पहले। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सो गाइस, जैसे कि यहाँ का मौसम इस प्रकार से हो रखा है पहाड़ों की वादियों से, जैसे कि यहाँ के आप पहाड़ देख रहे होंगे पूरे एकदम नीले पड़ चुके हैं, क्योंकि बारिश के कारण भीग चुके हैं। और अभी बारिश हुई थोड़ी, दिख रहा होगा आपको पानी, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, क्योंकि यहाँ गीला हो रखा हर जगह। तो बारिश तो बहुत ही शानदार तरीके से हुई, क्योंकि ज़्यादा मोटी नहीं, बारीक बारीक से हुई। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ का वातावरण है बारिश के टाइम से। जैसे कि आप ऊपर की साइड देख रहे होंगे, ऊपर बिछानियाँ हैं, वहाँ नेड बोलते हैं उनका नाम, नेड, वहाँ मेरी बड़ी दादी रहती है, तो वहाँ भी छानियाँ हैं। सो गाइस, जैसे कि वहाँ अभी कोहरा लगा हुआ है, मेरे ख्याल से ऊपर अभी बारिश हो रही होगी। इस प्रकार से यहाँ का वातावरण और का मौसम और का हो गया, जैसे कि आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से है। बॉल खेल रहे हैं, चाचा हैं, नीचे छोटा सा ग्राउंड है, वहां बॉल बैट खेल रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं। यहाँ जो है वहाँ भी खड़े होकर आउट हो रखेंगे मेरे ख्याल से। कुछ इस प्रकार से यहाँ का मौसम है गाइस। सो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा मौसम। भाई चलते हैं ऊपर छत में, उस छत से दिखाता हूँ आपको नज़ारा कैसा आ रहा है छत का, क्योंकि अभी बारिश लगी तो मेरे ख्याल से अच्छा ही नज़ारा आएगा। चलते हैं ऊपर। गाइस, मैं आ गया हूँ वहाँ छत में, जैसे कि आपने देखा होगा कहाँ से मैं आया हूँ। और मैं आगे का मौसम दिखाता हूँ, जो मेरे बैकग्राउंड में है वो तो उतना नहीं दिखेगा आपको, आगे का दिखाता हूँ। सो गाइस, कुछ इस प्रकार से यहाँ से दिख रहा है, मैं भी नीचे में खड़ा हुआ था वहाँ। सो मैं भी ऊपर छत में आ गया हूँ अपने। कुछ इस प्रकार से यहाँ का वातावरण है, और जैसे कि आपको दिख रहा होगा आगे पीछे वहाँ की पहाड़ियों, जैसे इतना सा वो ऊपर की साइड जा रहा है, इतना तो नहीं है, वो तो बहुत बड़ा पहाड़ है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, इतने जितना वो ऊपर का दिख रहा हूँ, सफ़ेद सफ़ेद ज़्यादा दिख रहा हूँ, वहाँ बारिश हो रही है। ये हमारा समण गांव है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये हमारा गांव है, वहाँ हमारा नारायण प्रभु का मंदिर भी है। ये हमारा धोपड़धार है, धोपड़धार मार्केट। ये हमारा स्कूल है, स्कूल है। यहाँ का वातावरण है, नीचे खेत, नीचे ग्राउंड में बैट बॉल खेल रहे हैं। सो कुछ इस प्रकार से यहाँ का टेम्परेचर है। बहुत ठंड भी तो लगी रही है, पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये हमारा पंजा का पेड़ है, वैसे कुछ इस प्रकार से यहाँ का नजारा है। और ये ऊपर की साइड, मैंने आपको बताया यहाँ का वातावरण और टेम्परेचर किस हिसाब से है। बारिश लग, अभी थोड़ी देर बारिश हुई थी, थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी अभी, तो अभी बारिश बंद हो चुकी है।
तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे का बैकग्राउंड हो पर साइड बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है अभी। सो गाइस कुछ इस प्रकार से यहाँ का वातावरण था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहा हो तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना भाई को। सो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।